गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, हम आ रखे हैं सड़क पे क्योंकि मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा दांत दर्द। तो आज हम जा रहे हैं मेरे दांत को तुड़वाने के लिए उत्तरकाशी। यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है और दर्द उसमें जैसे दवाई खा रहे हैं वैसे रह रहा है, और जैसे दवाई नहीं खा रहे हैं वैसे ही फिर शुरू हो रहा है। और आज इस वाले गाल में सूजन भी आ रखी है। तो स्पेशली मेरी मम्मी का फ़ोन आया है कि तुड़वा दे रोज़ रोज़ दर्द में, क्योंकि दांत का दर्द बहुत भयंकर होता है, इतना होता है कि झेला नहीं जाता है। और फिर तभी हम जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रहा है मेरा दांत तुड़वाने के लिए अबू। और मौसम की बात करें तो मौसम पूरा पैक हो रखा है, आज धूप नहीं है। आजकल 2-3 दिन से धूप लग रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर आज धूप नहीं है, आज लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा। और अभी मुझे पता भी नहीं है कि ये व्लॉग कल आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि दांत तोड़ने के बाद बहुत दर्द होता है। तो देखते हैं, कोशिश करूंगी मैं कंटिन्यू करने की। और हमेशा जब भी मैं कहीं जाती हूँ तब भी कोई आए ना आए शेरू आ जाता है, तो आज भी मुझे छोड़ने के लिए आ रखा है यहाँ पे शेरू। और अभी सामने से आ गई है हमारी गाड़ी, तो इसी गाड़ी पे हम जाएंगे अभी उत्तरकाशी। और अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं उत्तरकाशी, और सबसे पहले जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। और नीचे बह रही है गंगा मैया, और अभी हम पहुंच गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले एक बार यहाँ दिखा लेते हैं, अगर यहाँ काम नहीं बना तब कहीं और जाएंगे। और अभी फाइनली काफ़ी दिनों के बाद दिखे हैं हमारे दूसरे नवाबजादे। तो ये है मेरा भाई, मेरी बुआ का बेटा, और ये आया है अभी मुझे देखने के लिए। मैंने इसे बोला मेरा दर्द हो रहा, तुरंत आ गया ये। और मैं अपने घर की बहुत लाडली हूँ, मैंने अगर किसी को बोलती हूँ कि दर्द हो रहा है वो बंदा तुरंत आ जाता है कि दर्द हो रहा है, पैसे कमा लग गए। जो सही बात है वो इसने बोली अभी कि ऐसी फिकर नहीं है इन्हें, बस इसलिए फिकर है कि हाँ मैं मर जाऊंगी तो फिर क्या होगा, मेरा चैनल हैंडल कौन करेगा, है ना। उसकी अमाउंट हम ले लेंगे तो। हाँ, बेशरम इतना है, हाँ भी बोल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं मना कि दर्द हो रहा है नहीं टूटेगा, तो एक बार प्राइवेट में भी दिखा देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और रात को तो ऐसा लग रहा है पूरे खोपड़ी में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है, एक जगह पे नहीं होता है, पूरा पार्ट ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दर्द हो रहा होगा। तो एक बार चलते हैं वहाँ भी दिखा देते हैं। और अभी सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने सोचा एक बार घर के डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ चाचा चाची के यहाँ, और अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने चाचा के यहाँ। हेलो। और चाचा ने मेरा दांत नहीं देखा। मैंने सोचा चलो घर के डॉक्टर की दवाई खाते हैं, तो अभी चाचा ने मेरा डेंटिस्ट होता तो देखता। और आते ही चाचा लगे हुए थे खाने पे, अभी उठे हैं। पेट पूजा तो बहुत पहले होनी चाहिए ना, सबसे पहले पेट पूजा। अभी हमारी चाची भी आ गई है, तो मैंने सोचा अगर मैं नहीं जाती तो चाचा नाराज हो जाते, और चाचा की नाराजगी मुझे बहुत बहुत खलती है, फिर चाचा इनडायरेक्टली सुनाते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैंने कहा चलते हैं चाचा से भी मिलते हैं। वैसे सबके यहाँ जाना चाहिए जिस जिसकी तू प्यारी है। तो मैं उनके यहाँ तो जाती हूँ जिस जिसकी मैं प्यारी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं किसकी प्यारी हूँ इसीलिए यहाँ आई हूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं घर, और जिस काम के लिए हम गए थे वो काम तो हुआ नहीं, पर मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से, और अभी का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि दीदी के तो दांत में बहुत दर्द हो रहा है, अभी देखते हैं दीदी। हेलो, क्या हो रहा? ये देखो क्या हो रहा, दांत में दर्द हो रहा। तो गाइस मोटी के दांत में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों। अभी हमको एक छोटा सा डॉन मिल गया है। ओए डॉन, कहाँ है तेरी बंदूक? ये गब्बर पांडे है हमारे गांव का। गब्बर पांडे अपनी बंदूक तो दिखा। मेरी बना रहा तो मार दूंगा। ओए भाई धमकी दे रहा मेरे को, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। एक स्टंट मैन भी है और ये हमको अभी स्टंट करके दिखाएगा। चल यार एक स्टंट कर दे। ओ भयंकर, क्या स्टंट करता है यार। तो एक और की भयंकर, एक हाथ पे भी। Oh my God. Guys, अब चलते हैं हम दीदी के घर, और दीदी अभी गई है घर पे, तो देखते हैं दीदी की क्या हाल है। तो अभी हमें यहाँ पे संतरे भी दिखे हैं, तो अभी ये पूरी तक तरीके से पके तो नहीं है, लेकिन जब पकेंगे तब इनको खाएंगे। गाइस जब मैं आ रहा था तो मुझे मंदिर की याद आ गई,
तो मैं अभी मंदिर की ओर जाता हूँ। गाइस हमारा गांव का मंदिर तो अभी पूरे ढंग से नहीं बनाया, तो जितना बनाया है थोड़ा दिखा लेता हूँ आप। एक गाइस हमारे गांव का मंदिर, और बहुत ही अच्छा मंदिर बन रहा है। हमारा गेट है हमारे मंदिर पे जाने का, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो ये देखो ये मंदिर अंदर से बहुत ही प्यारा लगता है। मंदिर भी आपने देख लिया है, और अभी हम जाते हैं घर पे। तो अभी मैं आ गया हूँ चाय बनाने। तो दीदी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो रह भी नहीं रहा है। दीदी ने बोला चाय बना, फिर मैं बिस्किट खाऊंगी, फिर दवाई खाऊंगी। तो दीदी को दवाई देता हूँ मैं, और दीदी आज बच्चों को जैसे रो रही है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो बेचारे के लिए चाय बनानी पड़ती है। तो बिना चीनी वाली चाय है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डालूंगा, क्योंकि दीदी ने ही बोला था कि चीनी वाली चीनी बिल्कुल भी मत डालना। और दो चीज़ इसके लिए और चाहिए, दूध और चाय पत्ती। तो ये है चाय पत्ती, और पहले चाय पत्ती डालता हूँ। और अभी मैंने इसमें चाय पत्ती भी डाल दी है, और थोड़ी देर इसको उबलने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे दूध। तो यार चाय भी बन चुकी है, और बिल्कुल मस्त शक्ल आई है चाय की। तो अभी दीदी को देते हैं, पूछते हैं कैसी है। तो अभी मैंने चाय भी ला ली है दीदी के लिए, और दीदी यहाँ पे बैठी है, रो रही है। तो लो चाय पी लो, और फिर दवाई खा लेना लो। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, अभी जाके मेरे दांत का दर्द रहा है। और अभी मैं आई हूँ खाना खाने चाची के घर पे, क्योंकि चाची ने बना रखा है मेरे लिए खाना, और जब मेरे दांत दर्द हो रहा था। तो आज का ब्लॉग पूरा सौर्य ने बनाया है, तो देखूंगी मैं, अगर डालने लायक होगा तो डालूंगी, अगर नहीं होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और दांत का दर्द इतना भयंकर होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दुनिया में किसी को सब कुछ हो जाए, पर दांत का दर्द ना हो। अभी बहुत मुश्किलों के बाद रहा, सौर्य ने मेरी बहुत मदद की है। तो देखूंगी अगर कल से दांत का दर्द नहीं होगा तो कल से प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाऊंगी। और बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप ये करिए अगर आपका दांत में दर्द हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। और चाचा के लिए भी बहुत कमेंट आए थे। तो अभी चाचा के टेस्ट होंगे, फिलहाल डॉक्टर ने उन्हें बात करने के लिए मना करा है। फिलहाल जब टेस्ट आएंगे तभी आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। बहुत दर्द है, जब दर्द कम होगा जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।